गोल लागतनी समाचार नवानगर प्रखंड के सिकरौल से बटुए रिपोर्टर बानी वरुण सिंह जी। सिकरौल के दूगो दुकान में आग लागे से 30,000 के नगदी समेत लाखों के सामान जल के भइल राख। अब खबर विस्तार से सुनी। सिकरौल के दूगो दुकान में आग लागे से 30,000 रुपया नगद समेत लाखों के संपत्ति जल के राख हो गई। बतावत चली कि प्रखंड के सिकरौल लख पे दूगो दुकान में आग लागे से लगभग टोटल मिला के 6,00,000 के संपत्ति जल के बर्बाद हो गई। साथे साथ काउंटर में रखल गई 30,000 रुपया नगद भी आग के भेंट चढ़ गई। आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से होके के अनुमान दुकानदार लगेले मने। बतावल जाता कि बेलहरी निवासी दसई पासवान के सिकरौल में टायर दुकान रहे, रोज के तरह बंद करके घर चल गए। लगभग 10 बजे राति खा धू धू के जल रहा दुकान में आग के लपट तेज उठे लगल। जब तक लोग दुकान में आग लगी के घटना समझ पौतन तब तक पड़ोस के रघुनाथ खरबार के दवा दुकान अपन पाँव पसार दिलस, दोनों दुकान जले लगल। बाद में स्थानीय लोग दोनों दुकान के साथ पुलिस के सूचना दिले। सूचना पे पुलिस फायर ब्रिगेड स्थानीय लोग के काफ़ी प्रयास के बाद आग पे काबू पावल गई। ये आग लगी में सिकरौल के दूगो दुकानदार के संपत्ति जल के बर्बाद हो गई। सबसे ज़्यादा क्षति टायर दुकान के भइल बटुए। पीड़ित दुकानदार के अनुसार दुकान में रखल गई नया आ पुरान टायर, जनरेटर, डीजल और नगद राशि समेत औजार जल के बर्बाद हो गई। जवन लगभग 4,00,000 रुपया के संपत्ति रहे वही दवा दुकानदार 2,00,000 रुपया के दवा जल के बर्बाद होके के बात कहले बड़े। बताबो चले कि यह दिनों आग लगी के घटना भयानक रूप में बढ़ गई बटुए, जमुना पर लोग के सचेत होके के पड़ी। दुकान चाहे घर के बिजली राति खा बंद करके सुते पड़ी, नहीं तो तहत बड़ घटना से इनकार नहीं कैल जा सकत। ऐसे भोजपुरिया समाचार निहोरा करता कि रोरा सब दुकान आ घर के बिजली आ कोनो दिया बत्ती जरूरत होके ओकरा के बुताइए के सूती, ताकि इतना बड़ दुर्घटना से बचाव कैल जा सके। खबर निक लागल तो लाइक सब्सक्राइब करी।